यूपी के बुलंदशहर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां जहरीली शराब पीने से करीब 6 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, जहरीली शराब पीने से करीब 6 लोगों की मौत हो गई है। 15 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 15 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोषियों पर NSA लगाया जाएगा, अब तक की खबर। करीब करीब 6 लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से बुलंदशहर में। यूपी के बुलंदशहर से बड़ी खबर, जहरीली शराब पीने से करीब 6 लोगों की मौत हो गई है और 15 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ये पूरा मामला यूपी के बुलंदशहर से है। यूपी के बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से करीब करीब 6 लोगों की मौत हो गई है। इस मामले में थाना पुलिस की लापरवाही मानते हुए थाना प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी, हल्का इंचार्ज और चौकी प्रभारी अनोखेपुरी को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें, बड़ी खबर बुलंदशहर से, यूपी के बुलंदशहर में करीब 6 लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से। इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए दोषियों के ऊपर NSA लगाया जाएगा, अब तक की खबर। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गाँव जीतगढ़ी में जहरीली शराब पीने से कई लोग बीमार हो गए, जिसमें करीब 6 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा जहरीली शराब पीने से परेशानी होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है, हालत गंभीर बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि शराब और आबकारी विभाग की साठगांठ से ये पूरी जहरीली शराब जो है वो बनाई जाती थी, बेची जाती थी। आपको बता दें कि 15 लोग इस पूरे मामले में अभी अस्पताल में भर्ती हैं और हालत गंभीर बनी हुई है। बुलंदशहर से ये बड़ी खबर, यूपी के बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से करीब 6 लोगों की मौत हो गई है। दोषियों के ऊपर NSA लगाने की बात कही जा रही है। करीब 15 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 लोगों की मौत बताई जा रही है जहरीली शराब पीने से, ये पूरा मामला हुआ है। पुलिस थाने की लापरवाही भी इसमें मानी जा रही है, जिसके चलते थाना प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी को, जो कि हल्का इंचार्ज है, और चौकी प्रभारी अनोखेपुरी को निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के बुलंदशहर से, जहां पर करीब 6 लोगों की मौत हो गई है और 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और यह पहली बार नहीं है जब इस तरीके का मामला सामने आया है। पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां पर जहरीली शराब पीने से बहुत से लोगों की मौत हो जाती है, लोग अस्पताल में भर्ती कराए जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हालात जो हैं अभी भी बने हुए हैं, अभी भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। एक लंबे वक्त से ये सभी चीजें देखते हुए आ रहे हैं, यूपी के लोग ये सब चीजें झेलते हुए आ रहे हैं। और आज एक और मामला ऐसा ही सामने आया है, जहां पर यूपी के बुलंदशहर में करीब 6 लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से और 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे मामले हर बार यूपी से देखने को मिलते हैं। और अब एक और नया मामला बुलंदशहर से, जहां पर करीब 6 लोगों की मौत हो गई है, 15 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस प्रशासन पर भी कार्रवाई हुई है, 2 लोगों को निलंबित किया गया है। इस पूरे मामले पर अधिकारियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। प्रकरण में जो कुलदीप नाम का आरोपी है, जिसके द्वारा शराब दिए जाने की बात प्रकाश में आई है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उससे जुड़े हुए कई लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और प्रथम दृष्टया, चूँकि यहाँ आने के बाद ये जानकारी में आया है कि लोगों में ये बात थी कि यहाँ शराब पहले से बिक रही थी, इस बात की जानकारी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और हल्के के सिपाहियों को होनी चाहिए थी, उनके द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए थी। इस वजह से इन तीनों को निलंबित कर दिया गया है, थाना प्रभारी सिकंदराबाद, चौकी प्रभारी अनोखेपुरी, साथ ही 2 आरक्षी जो स्टेट के हल्के के सिपाही हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। और जो अपराधी है जिसके द्वारा शराब उपलब्ध कराई गई है, मिसिलिया मार्ग का शराब है, यदि किसी मार्के की शराब ठेको पर बिकती है तो इसकी जाँच कराई जा रही है कि शराब कहाँ से आई थी, और जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और NSA तक की कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे।